आज बने हैं पसंदे, मटन पसंदे, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही टेस्टी। मेरे तरीके से, मेरे तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत मज़े से आप खाएंगे, साथ में मुझे फिर आप लाइक भी कर देंगे और अपनी फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी कर देंगे, और जो मेरे नए देखने वाले हैं वो तो मुझे सब्सक्राइब भी कर देंगे ये वाली रेसिपी देख के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तान के प्यारे प्यारे लोगों, और पाकिस्तान से बाहर जो मुझे देख रहे हैं उन सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक हम सबको अपने ज़ुमान में रखे, हर मुसीबत, हर परेशानी, हर वबा से अल्लाह जी हमको बचा के रखे, अपनी रहमतों की बरसात हम पे हमेशा बरसाते रहे अल्लाह जी, आमीन। आज मैं बना रही हूँ मटन बसिंदे। ये बड़े मज़े के बनते हैं, बड़े टेस्टी होते हैं, और बनाए मेरे तरीके से। ये आपने ऐसे रान रान का गोश होता है, उसके आपने ऐसे स्लाइस बारीक बारीक से बनवा लेने हैं। ये हड्डी वाले बसिंदे हैं तो ये बड़ी जल्दी से बन जाते हैं और बहुत टेस्टी होते हैं। एक दफ़ा आपने ज़रूर ट्राई करना है इन्हें। सबसे पहले मैं 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट डालूंगी, ये मैंने खुद बनाई हुई है घर पे। देखें, 1 महीना हो गया इसे, अभी तक इसका कलर चेंज नहीं हुआ। आप अगर बनाना चाहते हैं तो मेरी पिछली वीडियो में आप चेक कर सकते हैं। अब छोटा सा टुकड़ा मैंने जिंजर का लिया और उसको बारीक बारीक सा हम काट लेंगे। ये काफ़ी मज़ा देती है जिंजर बसिंदों में, जब मुंह में आती है बारीक बारीक सी आप काट लें। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, ज़रा हटके हैं ये, जो पहले लोग बनाते हैं उनसे चेंज ये रेसिपी है। ये मेरे तरीके से आप बनाएं, बहुत मज़ेदार होंगे। अब हम 2 टीस्पून इसमें डालेंगे रेड चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून चाट मसाला। चाट मसाला डालने से ज़रा अच्छा सा इसका फ्लेवर बन जाता है। हाफ टी स्पून ज़ीरा, हाफ टी स्पून खुश्क धनिया कुटा हुआ है, दोनों चीज़ों को इकट्ठा मैंने कूट लिया था। एक चुटकी साबुत ज़ीरा डाल दिया मैंने, जब ये मुंह में आता है तो बड़ा अच्छा सा टेस्ट लगता है। एक चुटकी रेड चिल्ली पाउडर, वन टीस्पून लेमन जूस, वन टू 2 टीस्पून इसमें जाएगी सोया सॉस। ये 3 इसलिए लग रहे हैं कि वो इतनी भरा हुआ नहीं था टी स्पून, तो इसलिए मैंने 3 डाल लिया, तो वैसे 2 टीस्पून बनते हैं। 2 टीस्पून जाएगा इसमें विनीगर। विनीगर डालने से जो हम मसाला डालते हैं ना वो अच्छी तरह से गोश्त के साथ चिपक जाता है। अब हम हाथ से इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है इसमें। ऑयल बनाने से पहले इसमें मिक्स कर दें तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से ये गल जाता है गोश्त।
एक पैन में मैंने 1.5 कप ऑयल लिया है। हमने इनको इकट्ठा नहीं डालना है, इनको अच्छी तरह से हमने फैला के डालना है। अगर इकट्ठे करके डालेंगे तो वो ऐसे अच्छे नहीं लगेंगे पीस, तो इनको अच्छी तरह से पैन में हम फैलाएंगे। सॉरी, मैंने आपको 1.5 कप बताया, ये 1/2 कप मैंने ऑयल लिया था। बस भूल जाता है बंदा काम करते हुए। तो ये देखें, ऐसे सारों को हमने फैला के पैन में लगाना है, तो थोड़ी देर में ये अपनी जगह पे सेट हो जाएंगे, तो फिर हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। अगर हम ऐसे ही फेंक देंगे बीच में तो वो देखने में भी अच्छे नहीं लगेंगे और खाने में भी अच्छे नहीं लगेंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं पसंदे मेरे तरीके से। आप बनाएं मटन बसिंदे हैं ये। मैं जल्दी जल्दी बोलती हूँ तो ज़रा मेरे नाम सही तरह अदा नहीं हो रहा मेरी ज़बान से। तो इसमें गोल हड्डी है छोटी सी, तो ये बहुत मज़ेदार लगते हैं। अब देखिए, सारों को हमने फैला दिया। अब ऊपर हम ढक्कन से इनको ढांप के 5-10 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। ये देखें जी, देखें ये सुकड़ गई हैं, श्रिंग हो गई हैं और ये सेट हो रही हैं। तो मैं इनको फिर थोड़ा थोड़ा दूर दूर कर रही हूँ कि अच्छी तरह से ये पकें। आप फोक की मदद से भी कर सकते हैं, हाथ अपना नहीं जला लेना, मैं तो कर लेती हूँ ऐसे भी। अब फिर हम इनको 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ढक्कन लगा के छोड़ देंगे पकने के लिए। ये देखें जी, अब इनका पानी निकल आया है। अब हम इनकी साइड चेंज करेंगे। ये देखें, अपनी जगह पे ये सेट हो गई हैं। पहले कैसे थे बिखरे बिखरे, अब देखें अपनी जगह पे ये बोटी सेट हो गई है, तो ये खाने में अच्छी लगेगी। एक साइड पे मैंने चावल पकने के लिए रखे हुए, उबलने के लिए। हम चावल के साथ खाएंगे ये। इनकी थोड़ी थोड़ी देर बाद साइड चेंज करते रहना है कि अच्छी तरह से सब तरफ से ये गल जाए। ये देखें कितना प्यारा और खूबसूरत सा कलर आ गया है इनका। अब दूसरी साइड पे हम कलर लाएंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अब मैं इनके ऊपर योगर्ट डालूंगी। ये इसे कर्ड कहते हैं, इसमें पानी सारा निकला होता है और फुल क्रीम इसमें होती है, तो ये बहुत टेस्टी सा इधर ये कर्ड होता है। तो हम इसको ऊपर फैलाएंगे, हमने बीच में अभी मिक्स नहीं करना। हमने इस कर्ड के दाने बनाने हैं, दाने दाने से बनेंगे इसके, आप देखना अभी थोड़ी देर में। तो ये हमने इसको बीच में मिक्स नहीं करना, इसलिए मैंने ऊपर ऊपर फैला दिया। ये बहुत मज़ा आता है जब हम खाते हैं, तो वो जो ये इस कर्ड के दाने बने होते हैं तो ऐसे लगता है जैसे खोया मुंह में आ रहा है, तो ये बहुत टेस्टी लगते हैं। तो अब मैंने एक सब्ज़ मिर्च है उसके छोटे छोटे से टुकड़े करके मैं ऊपर फैला दूंगी।
इसकी भी खुशबू और टेस्ट आ जाएगा इसमें। बिल्कुल लो फ्लेम हमने रखनी है। स्टार्ट से एंड तक मेरी वीडियो देखनी है आपने। ये देखें जी, हम इसको चम्मच की मदद से वो ऊपर जो हमने कर डाला है उसको फैला रहे हैं। आपने स्टार्ट से एंड तक मेरी वीडियो देखनी है, कोई स्टेप मिस नहीं करना। ये साथ साथ देखते जाएं और सारी वीडियो देखने वाली है और आपको समझ आएगी कैसे ये बननी है ये वाली डिश। ठीक है जी, अब मैंने ढक्कन लगा के इसको 5 मिनट के लिए रख दिया है लो फ्लेम पे। अब हम चेक करेंगे, ये देखें जी, अब हम साइड चेंज कर देंगे। बहुत प्यारी, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, सारे घर में घूम रही है खुशबू, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम सारे पसंदों की साइड चेंज कर देंगे। ये देखें, दाने दाने बन रहे हैं हमारे कर्ट के, तो ये बहुत ही मज़ा देते हैं जब खाते हैं ना, तो ऐसे मुंह में आते हैं जैसे हम खोया खा रहे हैं, तो खोए का टेस्ट देंगे ये। आप इसी तरीके से बनाना तो बहुत मज़ेदार बनेंगे। अब थोड़ा सा हम घुमाएंगे इन पीसों को, मेरी वीडियो को आपने स्टार्ट से एंड तक देखना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है और अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर करना है। जो मेरे नए देखने वाले वो मुझे सब्सक्राइब करें। मैं बड़े प्यार और मेहनत से आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी आपके लिए लाती हूँ और आप ट्राई करना, बहुत ही मज़े की ये रेसिपी होती हैं। ये सब रेसिपी मेरी अपनी है, मैं इधर उधर से किसी की चुराती नहीं हूँ। ये सब जो भी मैं रेसिपी आपको देती हूँ वो मेरी खुद की होती हैं। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अब हमारे बसिंदे तैयार हो चुके हैं, बहुत ही टेस्टी, बड़े ही मज़े के। अब हम इनको डिश आउट करेंगे। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जी आपका बहुत शुक्र है, हमारे दस्तरखान में एक और प्यारी सी मज़ेदार डिश का आपने इजाफा किया। जो हमने ख्वाहिश की खाने की आपने हमें वो ही दिया, शुक्रिया अल्लाह जी, बहुत मेहरबानी। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, कितने प्यारे लग रही हैं और खुशबू इतनी आ रही है, धमालें डालती हुई मज़ेदार सी। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह, ये कितने प्यारे लग रहे हैं और जो मैंने कर डाला था ऊपर वो दानेदार बन गए, तो बहुत ही मज़ा देगी ये डिश आपको। आप ज़रूर बनाना, इसे ट्राई करना। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, हमारा दस्तरखान सज गया एक और प्यारी सी डिश से। और अल्लाह जी हम सबको सेहत, ज़िंदगी, तंदुरुस्ती देना ये नेमतें खाने के लिए, और हम आपके शुक्रगुजार रहें। और जो हमारे इर्द गिर्द हैं हमें तफीक देना, उनको भी हम ये डिशें बना के खिलाएं और वो खुश हो जाएं और आप हम पे राज़ी हो जाएं। अल्लाह जी आप लोग अपनी दुआओं में मुझे और मेरे बच्चों को भी याद रखना। मैं इजाज़त चाहती हूँ कल तक के लिए, अल्लाह हाफिज़।